ठीक है, चलो करें फिर स्टार्ट। यस मैम, ये येलो येलो कैसे हो गया भाई? यस मैम। ठीक है, ओके। कल कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? तो कल मैंने यहाँ पे आई थिंक छोड़ा था ना, हेलोजन्स के साथ रिएक्शंस करा रही थी मैं, और आप लोगों को पता ही है मैं कंपेयर करके करवा रही थी आप लोगों को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी ना, वो कल फिनिश नहीं हुई थी, मैंने आप लोगों को कहा था रहता है, तो आज जितना भी हमारा एस ब्लॉक बचा हुआ है वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है धन्यवाद। ठीक है, तो हाँ मैं क्या कह रही थी, तो जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आज वाली क्लास में कवर कर लेंगे। हो सकता है कि थोड़ा, मैं वैसे आपको बोला था कि मैंने 1.5 आवर की ये क्लास होगी, बट हो सकता है थोड़ा 2 आवर तक एक्सटेंड हो जाए, तो थोड़ा सा ना शांति से बैठना, अभी आए हो तो पूरा एस ब्लॉक कंप्लीट करके जाना। ठीक है, चलो अभी हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। ठीक है, तो मैंने वहीं पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लगाया हुआ है। ठीक है, ग्रुप 1 लिखेंगे पहले, फिर ग्रुप 2 के बारे में क्या सीन है वो देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग नेचर की, तो जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लिख लो, एल्कली मेटल्स आर वेरी स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करो, हमने देखा था कि लिथियम सबसे स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद करो, मैंने आप लोगों को कहा था जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, बेसिकली जिनका ई नोड सेल नेगेटिव था, वो क्या थे? स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कैसे बोल मैम, सकते हो कि एल्कली मेटल स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को, किसकी वैल्यूज को? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को देख के पता चला कि एल्कली मेटल्स काफी स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बहुत अच्छा है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, बिकॉज ऑफ लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम कहाँ देख के आए हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख के आए हैं। ठीक है, अभी तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि मैम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ठीक है, आपने बता दिया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन ये कैसे देखा जाता है कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बेसिस पे निकाला जाता है कि हम कह रहे हैं किसी का नेगेटिव आता है, किसी का पॉजिटिव आता है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना 3 चीजों पे बेसिकली बेस्ड होता है आपका। वो क्या क्या है? एक तो है आपका सब्लिमेशन एनर्जी, और एक है, आपको बिल्कुल डिटेल में जाना, जस्ट समझ लो, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ये 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, हाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये 3 फैक्टर से जो है निकाला जाता है। तो जो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है ना, तो हर किसी एलिमेंट का सब्लिमेशन एनर्जी देखा गया है, आयनाइजेशन एनर्जी देखा गया है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो तीनों फैक्टर को कंसिडर करके ही ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वैल्यू निकाला जाता है कि किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी या किसकी पॉजिटिव होगी। अब हमें निकालना तो सीखना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गुड इवनिंग बच्चे। तो लिथियम का साइज, क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर मैं उसे की ग्रुप 1 की बात करूं, तो लिथियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है यस ना, सबसे छोटा होता है, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बहुत इजीली समझ में आएगा इस ब्लॉक, बहुत इजी है। ठीक है, अभी कुछ रट्टा मारने वाला जैसा नहीं, अभी सारा का सारा समझने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो लिथियम का साइज उसके ग्रुप में क्या है? सबसे छोटा है। और याद करो, अगर सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं यस प्लस की बात करूं, क्योंकि ध्यान रखना हाइड्रेशन एंथैल्पी हम चार्ज्ड स्पीसीज की देखते हैं, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो अगर लिथियम का साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। यस मैम, बेटा जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे वो आप अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ इसके बारे में। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी।
मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक मिनट, एक स्टूडेंट ने कुछ बोला है मैम, मैंने कुछ टाइम से अब से रेगुलर, ठीक है रेगुलर रहो, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ रेगुलर रहो, क्योंकि तुम्हें पता है 10 फेब तक तुम्हारी क्लासेस लगने वाली हैं, फिर उसके बाद तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा है ना, फिर तुम हमसे मिलोगे 25 या 24, मतलब आफ्टर 20 मार्च जो है तुम हमसे मिलोगे, तो 10 फेब तक तो प्लीज बी रेगुलर है ना। आपको पता है मैं जो जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं तो प्लीज मैं रिविजन करवा रही हूँ ऑर्गेनिक की, प्लीज आ जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ आ जाओ, तुम्हारा नीट हो, सीबीएसई हो, जेई, मतलब जेई तो नहीं दे रहे तुम लोग या कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अपनी ऑर्गेनिक प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं इस पे बात कर रही हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो लिथियम का साइज छोटा होने की मैं बोल सकती हूँ कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगी, यानी कि डेल्टा एच बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे मैंने कहा तीनों फैक्टर से जो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, तो इसमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट करता है इन केस ऑफ लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। तो डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो नेगेटिव आया है, और ये बोला गया है कि जो लिथियम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे डाउन द ग्रुप, तो ध्यान रखना डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये सब चीजें, क्योंकि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को आप इजिली निकाल सकते हो, यानी कि सीजियम तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना कि जो रिड्यूसिंग नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और ये देखा गया कि लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, मतलब बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, क्लियर। क्या हुआ गौरव? मैम ये एनएमएलएस बिहेवियर हो जाएगा इसका फिर? हाँ अभी अभी लास्ट में पढ़ेंगे वो, हाँ एनएमएलएस बिहेवियर में आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ ग्रुप टू की, तो ग्रुप टू का क्या ख्याल है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो है ये भी, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किससे कम है, बोलो, ग्रुप वन से, ग्रुप वन लेस पावरफुल देन, जिसने टेस्ट दे दिया वो स्क्रीनशॉट शेयर कर लो, नहीं तो कल मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्ड आ जाएगा, बट लेस पावरफुल देन एल्कली मेटल्स। इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा क्या, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है, बोलो हाँ कहना होगा, तो ग्रुप वन में भी वही होगा, लेकिन लिथियम का ज्यादा होगा। इसमें क्या है, आप जैसे ही डाउन द ग्रुप जा रहे हो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लिख सकते हो यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर। देखो अगर आपको छोटी छोटी चीजें समझनी है तो लेक्चर ऑब्वियसली बात है एक्सटेंड होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप रट्टा मारो, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें आप समझो, तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए लेक्चर, क्योंकि अभी बहुत सारा रहता है। लेकिन अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम का मैं बात करूं तो इसका रिड्यूसिंग नेचर कम है, इधर देखो बेटा, करेंगे बात क्लास के बाद, मैं आप मुझे पर्सनली जो है टेक्स्ट कर देना, मैं देख लूंगा, अभी प्लीज इस पे फोकस करो, मेरा भी फ्लो ब्रेक हो जाता अदरवाइज। हाँ तो मैं अगर बेरिलियम की बात करूं तो उसका रिड्यूसिंग नेचर कम है सबसे, उसका पूरे ग्रुप में बात करूं तो बेरिलियम का रिड्यूसिंग नेचर कम है, लेकिन फिर भी वो रिड्यूसिंग नेचर तो शो करता है। रीजन क्या दिया गया उसका, ड्यू टू स्मॉल साइज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो स्मॉल साइज है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इस वजह से वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। कंफ्यूज मत होना, लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, उसकी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है, जबकि अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज कर रहा है, बट बेरिलियम कम रिड्यूसिंग नेचर है उसका, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है सबसे, लेकिन फिर भी है, स्टिल वो है, तो रीजन क्या है उसका, वही हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से उसका रिड्यूसिंग नेचर कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्लियर है, बोलो हाँ के ना। हाँ मैम, अपने ग्रुप के हिसाब से
इसकी नेगेटिव और उसकी पॉजिटिव क्यों? क्या बोल रहे हो आप? पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ देख के आए हो? हाई का है ना आपने? हाई बेटा ध्यान से सुना कर, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है डेल्टा एच नेगेटिव है, है ना? एक बात सुनो वंश, अगर मान लो मैं सपोज लिथियम की बात करती हूँ, साइज छोटा है ना उसकी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी ना, तो एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, राइट? तो जब भी मैं बात करती हूँ हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जब भी मैं बात करती हूँ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो समझ जाना मैम बात करी है नेगेटिव में, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? ये दोनों चीजें बेटा आप ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा एक चीज होती है ना, मतलब एक चीज तो क्या कंसेप्ट होता है जो मैंने आई थिंक आपको कल की क्लास में नहीं बताया था। अगर मैं आपसे सिंपल है, मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल जनरल बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर किसका, रुको मैं बताती हूँ, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना मैं बात कर रही हूँ एक्वस सॉल्यूशन। मोबिलिटी का मतलब पता है ना, आयंस की मूवमेंट है ना। तो अगर मैं आप लोगों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना सारे के सारे, अगर मैं आप लोगों से आयनिक इन आयंस की मोबिलिटी का पूछूं, ठीक है, इनकी आयंस की मूवमेंट किसकी सबसे ज्यादा होगी, कोई किसी को पता है? डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है शायद, डाउन द ग्रुप। हां जी बोलो जया। हम कुछ नहीं आंसर बता रही हूं। ओके निकिता ने सही बोला है, सुनो मेरी बात, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी होगा, तो यहाँ पे हम हाइड्रेटेड रेडियस वाला थोड़ा सा फैक्टर लेके चलेंगे, क्या? क्योंकि लिथियम, ध्यान से सुनना, वैसे तो आप कहते हो साइज छोटा जल्दी 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 भागेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो लिथियम का साइज छोटा है तो वॉटर के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा सराउंड करेंगे, पहले तो बोलो हाँ या ना। अगर मैं बात करूं हाइड्रेटेड रेडियस की, If I'm talking about hydrated radius, तो lithium की सबसे ज्यादा होगी। अगर size ही उसका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भैया move कैसे करेगा? तो क्या मैं बोल सकती हूँ aqueous solution में जो ionic mobility है वो cesium की ज्यादा होगी, then rubidium, potassium, sodium, then lithium? Reason आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि aqueous solution में lithium का size तो छोटा है, लेकिन उसकी जो hydrated radius हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी as compared to cesium, और वो बड़ा हो गया तो फिर उसकी mobility क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? बोलो। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, तो जो मैंने बोला है, मेरे पास स्पेस नहीं था, आप लोग रीजन लिखते हुए चलेंगे उसमें, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हारी आती है बेटा प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जेई का और नीट वालों का बेसिकली फेवरेट क्वेश्चन रहता है, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे लिखो ऑल एल्कली मेटल्स dissolve in liquid ammonia, dissolve in liquid ammonia. मैम कैसे? मेटल है X plus Y ammonia, basically ये क्या है, stoichiometric coefficient है, ठीक है, जिसको मैं general ले दूँ, है ना, generalized कर दिया मैंने X plus Y. अब क्या होगा, मेटल के चारों तरफ क्या होगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल सराउंड होंगे, तो क्या बनेगा देखना, मेटल को भी घेरेगा अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मैम इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका, जो आपके एल्कली मेटल्स बोलूं या मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलूं, जब वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि जो कलर आता है वो कैसा आता है, डीप ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर होता है। अब आप लोगों को पता है कलर किस वजह से आता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आता है क्वेश्चन। डीप ब्लू कलर है, रीजन क्या है, ड्यू टू, मतलब बेसिकली जो आपके सॉल्यूशन का कलर होगा वो डीप ब्लू होगा, रीजन क्या है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन।
अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होगा इसका, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंपल ड्यू टू अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर मान लो मैंने इस सॉल्यूशन को थोड़े देर तक, मतलब कुछ घंटों तक, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे तक खुला छोड़ दिया, मतलब रख दिया उसको ऐसे का ऐसी, तो क्या होगा, वहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर मैंने थोड़ी देर तक, थोड़े घंटों तक उसको, या मैं थोड़े घंटे क्या बहुत घंटे तक उसको ऐसे यूं ही रख दूं सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, वहां से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, अमाइड आयन का फॉर्मेशन होगा। लिखो, मैं आप लोगों को बोलती हूँ। स्टैंड फॉर प्रीलोंग्ड आर, प्रीलोंग्ड मतलब लंबे टाइम तक, प्रीलोंग्ड आर H2 गैस रिलीज। बनता क्या है, अरे रे स्पेस नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिखो, ये क्या है मेटल, AM क्या है, अमोनिया ने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अमोनिया का सॉल्यूशन भी होगा, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, MnH2 बनता है, इसको बोलते हैं अमाइडाइन, ये होता है अमाइडाइन, अमाइड आयन लिख लो इसको, और NH2 नेगेटिव होता है इमीडाइन, ठीक है, तो साथ में क्या निकल जाती है, H2 गैस बाहर निकल जाती है। लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, लिख लिया, ठीक है, इसको इरेज करके मेरा थोड़ा सा ग्रुप वन में और रहता है, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ ऑलरेडी, यहां पे लिखो फॉर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो मैं कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लू अमोनिया का, तो क्या होगा, जो आपका ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रोंज कलर में चेंज हो जाएगा, और जो नेचर है वो कैसे हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब ऐसा सुनो क्यों होता है, जब आप कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रोगे तो आपका पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ब्लू कलर से ब्रोंज कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे तो जो वो इलेक्ट्रॉन पहले चारों तरफ घूम रहे थे, अब कंसेंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे अब क्या हो जाएंगे, पास आएंगे, पेयरिंग होना उनकी स्टार्ट हो जाएगी। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जब आप लोगे और पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इट मींस वो कैसा नेचर शो करेगा, जल्दी बोलो कैसा नेचर शो करेगा, और ब्लू कलर से उसका, क्योंकि ब्लू कलर किस वजह से आ रहा था, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब क्या होगा, ब्लू कलर ब्रोंज कलर में चेंज हो जाएगा, ब्रोंज कलर तो तुम लोगों को पता ही है कैसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं वो सारे कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में पूछे हुए हैं तुम लोगों से। तो फिर बोल रही हूँ, एस ब्लॉक चाहे तुम जेई मेन ले लो, जेई एडवांस ले लो, नीट का तो वैसे एनसीईआरटी ही बेस्ड आता है, एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं गया है एस ब्लॉक का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तय है पेपर में आएगा, ठीक है। तो जेई मेन वाले अभी तो मेरे को लगता है तुम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे, तुम लोगों के पास टाइम कम है, क्योंकि मैं भी खुद ये सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, जितना तुमने नोट्स बना रखे उनको जितना रिवाइज कर सकते हो, 5 बार 6 बार 7 बार रिवाइज करो, ठीक है। और अगर एस ब्लॉक करके जा रहे हो तो सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, नीट वालों को सब कुछ करना अभी फिलहाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप टू की, तो ग्रुप वो ये बताया था कि इसको लिख लो अमाइड आयन होता है, ये अमाइड आयन, और NH2 नेगेटिव होता है इमीड आयन। नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी इस क्लास के बाद। अब मैं बात करूं बेटा ग्रुप टू की, तो इसमें भी क्या होते हैं, लिखो, ऑल ग्रुप टू एलिमेंट्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, बोलो हाँ के ना, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही सेम रिएक्शन X+Y NH3, लेकिन इस बार क्या होगा, +2 में होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एक बार, yes, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 2 times होगा, 2 times, yes, बस, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है तुम लोगों का, ग्रुप 1 से आता है, ग्रुप 2 का नहीं आता। थर्ड, अरे तुम लोग बड़े पीछे चल रहे हो यार, लिखो मत तुम, ऐसे तो अपना होगा ही नहीं। मैंने थर्ड पॉइंट में ये रखा है, अगर उसको कुछ घंटों तक रख दोगे तो वहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगी, अमाइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चे, चलो
आगे चलूं, जल्दी बोलो मैम। यस प्लस वाई वाला एक बार फिर से समझा दो। कहां पे देखो, x प्लस वाई क्या है ना, कोफिशियंट है। जैसे हम नहीं कोई रिएक्शन नहीं लेते है ना, बैलेंस करके लिखते हैं उसका तो वो x प्लस वाई वही दिखा रहे हैं। अलग अलग क्यों लिखा है, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि कुछ अमोनिया मेटल को घेरे हुए हैं और कुछ अमोनिया जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके चारों तरफ घेरे हुए हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने अलग अलग दिखाया x प्लस वाई। ओके मैम, दिखाने का तरीका है। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आए थे ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो तभी वो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, फिर वो कहाँ रेडिएशन को एमिट करेगा, विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर आता है। तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, इसकी वजह से डीप ब्लू कलर आया है। आगे चलो, अगर जी हाँ, जितने भी आपके ये हैं कलर शो करते हैं ये। हाँ देवयानी, आप क्या कह रहे हो? मैम जो पीछे वाली स्लाइड में ग्रुप वन वाले में ये वाली लाइन, जो लाइन लिखी है इफ लेफ्ट फॉर मेनी आवर्स के नीचे जो एम ए एम लिखा है, वो अमाइड आयन के लिए लिखा है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला ए एम का मतलब है ए एम। हाँ जी बेटा, मैम यही पूछ रही हूँ, ये किस चीज के लिए? ये ए एम डिनोट कर रहा है कि अमोनिया ने मेटल को घेरा हुआ, ए एम। ठीक है, ओके यस मैम। आगे चलूं, अभी किसी का कोई रह गया क्या लिखा हुआ? नहीं रह गया, चलो भैया आगे चलो। आगे चलते हम यहाँ पे ग्रुप वन में। हाँ, और यहाँ पे इसका कलर लिख लो, डीप ब्लू ब्लैक मिलता है। वंश की बात से याद आ गया मुझे, डीप ब्लू ब्लैक कलर होता है। आगे चलो, उसके बाद मैं बात करूंगी रिएक्शन विद एसिड की। देखो, आपके जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl हो गया तो क्या बना लेते हैं, आपको पता है MCl, H2 गैस लिबरेट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाएंगे तो भैया क्या बना लेंगे, आपके सल्फेट बना लेंगे, H2 गैस रिलीज होगी। नाइट्रिक एसिड के साथ चलेंगे तो नाइट्रेट बना लेंगे। एक मिनट रुको ना, इसका फॉर्मूला देख लो, सल्फेट होता है 2, ये होता है ये, क्रिस क्रॉस कर दो, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसी सेम नाइट्राइट में देखो, 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा, MnO3 होगा, ठीक है? यस मैम। चलो ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो इसमें भी यही होगा, इसमें क्या हो जाएगा, MCl2, क्योंकि आपका जो ग्रुप 2 है वो प्लस 2 की दिखाते हैं ना, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, MSO4, क्यों, क्योंकि दोनों दो दो कर रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये क्यों लिखवा रही हूँ, अभी मैं आपको ना आगे चल के वो बताऊंगी कि जितने भी आपके ग्रुप 1 के जो सल्फेट्स बना रहे हैं, नाइट्रेट्स बना रहे हैं, उनकी सॉलिबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, या उनके थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी। तो ये इसलिए मैंने अभी लिखवा दिया, ताकि आगे मैं एकदम से डायरेक्ट आप लोगों को लिखवा दूं, ठीक है? बस इसमें यही था। उसके बाद आते हैं हम जनरल, ये अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट क्या बता रही हूँ। जितना भी अब रह गया ना, यहाँ से ज्यादा चांसेस रहते हैं एक, हाँ हाँ H2 गैस होगी लिबरेट, लिख लेना है HNO3 में। उसके बाद लिखो जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना, ग्रुप 1 की बात करते हैं। आप लोगों को कल वाली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर आप एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो लिथियम ऑक्साइड्स बनाता है, सोडियम परोक्साइड बनाता है, बताया था ना, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, ठीक है? लेकिन जब मैं एक्सेस ऑफ एयर लिख लूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रही हूँ, तो ये लिथियम का, एक सेकंड कलर और ले लूं, रेड कलर अच्छा लग रहा, तो लिथियम का ऑक्साइड तो बनता ही बनता है, मेनली यही बनता है लिथियम का ऑक्साइड, लेकिन इसके साथ कुछ अमाउंट में कम बनता है, लेकिन बनता जरूर है क्या, परऑक्साइड। ऐसे ही सोडियम के साथ मेनली तो यही बनता है क्या, परऑक्साइड, लेकिन कुछ अमाउंट में क्या बन जाता है, इसमें सुपर ऑक्साइड भी बन जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, ओनली सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, यानी कि KO2 रुबिडियम का ऑक्साइड
एंड सीजियम का ऑक्साइड। अब मैम ये क्या हमें पेपर में लिखा हुआ मिलेगा एक्सेसोफेयर? अब मेरी सुनना बात ध्यान से, अगर मान लो सिंपल वो ये बोलते हैं कि आपने अल्कली मेटल्स को एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, आप ये बताओगे कि मेनली तो लिथियम का ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन कुछ अमाउंट में कुछ ट्रेसेस जो है लिथियम सुपर ऑक्साइड भी बनता है, सॉरी परऑक्साइड भी बनता है। ऐसे ही सोडियम में मेनली तो सुपर ऑक्साइड बनता है, ओ सॉरी मैं बार बार गलत बोल रही हूँ, परऑक्साइड बनता है, कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड बनता है, बट इन केस ऑफ पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम में सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनता है और कुछ भी नहीं बनता है, ना कोई ऑक्साइड बनता है ना कोई परऑक्साइड बनता है। अब मैम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान रखना, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज बड़ा हो रहा है ना, और जैसे आप जा रहे हो ऑक्साइड से परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, अनायन का साइज बड़ा हो तो लार्ज साइज स्टेबलाइज लार्ज अनायन, स्मॉल साइज स्टेबलाइज स्मॉल अनायन। सुनाई दिया क्या बोला? अब लिखो, इसको लिखोगे कैसे? ये लिखो सुपर ऑक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय, लिखो सुपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुपर ऑक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन लिखो, और स्मॉल साइज को स्टेबलाइज करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ये वाले जो पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए हमेशा, स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो बहुत यूज होते हैं ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक और चीज लिखो, जो आपके ऑक्साइड्स हैं और परऑक्साइड्स हैं लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी स्लाइड में जितना भी लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड और परऑक्साइड आपके कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन जो आपके सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वाई के ओ टू इज कलर्ड, वाई के ओ टू इज कलर्ड। अब सुनना ध्यान से, क्यों कलर किस वजह से आता है, कौन बताएगा? मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आती हूँ, रुको एक काम करती हूँ, पेज ले लेते हो, है ना? सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इधर देखो, मैं एक काम करती हूँ सारे लिख देती हूँ। ऑक्साइड क्या होता है, ओ टू नेगेटिव। परऑक्साइड क्या होता है, इसको लर्न करो, परऑक्साइड क्या होता है, ओ टू टू नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, ओ टू नेगेटिव। एमओटी पढ़िए, पढ़िए ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखना, या एक काम करना, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था सिग्मा स्टार 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो अगर आप देख पाएंगे, सिंपल मैं ओ टू की बात करूं तो क्या होता है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, बताया था, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूंगी ओ टू नेगेटिव की, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो फिर क्या बचेगा, एक, जल्दी बोलो, अनपेयर्ड, लिखो इलेक्ट्रॉन, लिखो फिर, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2py, इसी वजह से क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, देयरफॉर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बोलो समझ में आया? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर मिल गया, वाई KO2 इज कलर्ड एंड पैरा मैग्नेटिक। हाँ जी बोलिए। यस मैम, यस मैम, ग्रेट। उसके बाद जब आपके एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स हैं, जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है ना बेसिक इन नेचर होते हैं आपके मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना? तो पानी के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, तो आप लोगों को ये देखना है हाइड्रोक्साइड्स के अलावा और क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो, अगर मैं सिंपल बात करूं आपके ऑक्साइड्स की, तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको M+ और OH नेगेटिव मिलेगा, है तो ये हाइड्रोक्साइड, मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया M+ एंड OH नेगेटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं परऑक्साइड की, जब वो पानी में जाएंगे तो आपको ये तो मिलेंगे हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगा। लिख लो, पेपर में आता है ये कि जब परऑक्साइड पानी के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, और जब सुपरऑक्साइड पानी के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, M+ OH नेगेटिव, H2O2 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों,
अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे क्या मिल रहा है। हाँ जी पल्ले पड़ा कुछ? यस मैम। चलो पल्ले पड़ा तो हम ये हो गई हमारी ग्रुप वन की बात। क्या कर रहे थे हम? ऑक्साइड्स बना रहे थे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं आपने देखा तीन तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, सिंपल ऑक्साइड, परऑक्साइड। ध्यान रखना पर और सुपर में, जैसे मैं अभी बीच बीच में उल्टा सीधा बोलूं आप लोगों को नहीं करना, ध्यान से सुनना कौन पर बनाता है कौन सुपर बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाते हैं परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगी आपके ग्रुप टू एलिमेंट्स की, कौन कौन से है? बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, राजी की हम बात नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्साइड्स बनाते हैं, ना ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं ना ये पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंपल ऑक्साइड्स बनाते हैं, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स बोल रहे हो, बेरियम का ऑक्साइड। समझ में आया? ये नहीं बनाते सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। जो ये नीचे वाले होते हैं मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक, ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर होता है और आयनिक नेचर होता है इनका। लेकिन नखरे किसके हैं? छोटे वाले के। नखरे किसके हैं? छोटे वाले के। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। याद करो जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, एम्फोटेरिक होता है और कोवेलेंट होता है नेचर में। कोवेलेंट क्यों होता है मैम? फजांस रूल, बहुत छोटा साइज है कैटायन का, पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी है। यहां से बेरिलियम का एनमलस बिहेवियर का एक पॉइंट हो गया तुम लोगों के लिए। बोलो हाँ के ना? यस मैम। कोवेलेंट नेचर। यस मैम। ऑक्सीजन एक्सेस वाला केस नहीं है क्या? हुआ बेटा? मैम इसमें ऑक्सीजन एक्सेस वाला केस नहीं है। देखो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एक्सेस में लिए ऑक्सीजन या कम में लिए। सिंपल बेरिलियम की अगर मैं एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगी तो आपको ऑक्साइड मिलेगा। तो पेपर में चाहे एक्सेस लिख के आए चाहे सिंपल लिख के आए, एयर की प्रेजेंस में आपको ऑक्साइड्स बनाने हैं और कुछ नहीं मिलेगा चाहे कितना ऑक्सीजन डाल दो। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं बात करूं इन ऑक्साइड्स की, मैं पानी के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये भी तो मेटल्स हैं, इनके भी हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के ही होंगे। बोलो हाँ या ना? ओके मैंने गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी। बेसिक नेचर के होंगे ना, आई एम सो सॉरी। ठीक है ओके तो अगर मैं बात करूं इन ऑक्साइड्स की, पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे मैम? ऐसे बनेंगे, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का और बेरिलियम, ओ सॉरी बेरिलियम बोल रही हूँ, बेरियम का। मैम आपने बेरिलियम का नहीं बताया, कल हमने देखा था ना जो बेरिलियम है पानी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ नहीं करता है रिएक्ट। यस है ना? yes, मैंने पूछा था कि मैम फिर नहीं बनता क्या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड? बिल्कुल बनता, अभी उसको पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो बेरिलियम ऐसा नहीं है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, पानी के साथ नहीं करता, लेकिन आप BCl2 को कराओ पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम जो अभी आप बेरिलियम का जैसे बता रहे हो मैम, वो स्टीम वाटर से भी नहीं करता? स्टीम किसके साथ? स्टीम वाटर के साथ ले लो, गरम ले लो ठंडा ले लो, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसका क्लोराइड ले लोगे BCl2 तो कर देगा। ओके तो कर देगा। ठीक है मैम, आपने मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिया, बाकी सब सिंपल में लिया। हां जी बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिया, बाकी सब ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं हाँ मैंने मैग्नीशियम का एक, ओह आई एम सो सॉरी, सबका ऑक्साइड लो यार सॉरी। ठीक है किसी का भी ले लो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। अभी मैम हाइड्रोक्साइड में हमें क्या देखना है? हमें देखना है इन हाइड्रोक्साइड्स की सोल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखो डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी क्या होगी इसमें और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, लिखो। सोल्युबिलिटी, एक मिनट रुको, सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर, एंड बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिखो इसको, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
ध्यान रखना जहां पे भी सोल्युबिलिटी होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी भी वैसे ही होगी, डिक्रीज हो रही है तो वो भी डिक्रीज। अब इसका रीजन सुन लो, बेसिक करेक्टर की हम पहले बात कर रहे हैं, तुम्हें पता डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर तो इंक्रीज ही करेगा, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोक्साइड छोटा, बड़ा साइज, बॉन्ड वीक, टूट गया। बेसिक करेक्टर बेसिकली कहने का मतलब है OH जो है इजिली जो है टूट जाएगा। लेकिन इसको थर्मल स्टेबिलिटी से मत समझना, कंफ्यूज मत होना, इसमें जो सोल्युबिलिटी है इसका ना कहीं भी कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ सोल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी का क्यों इंक्रीज हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो दो चीजें होती हैं, इधर देखो दो चीज, मैं एक और पेज लेना पड़ेगा मुझे। हाँ ये काम करते यही समझा देते हैं। देखो एक होती है लैटिस एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों की डेफिनेशन मैं नहीं बता रही हूं, बहुत बार बता चुकी हूं। ध्यान रखना हाइड्रेशन एनर्जी, अगर आप सोल्युबिलिटी देखना चाहते हो तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी, और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी सोल्युबिलिटी कम। तो अगर एक बात देखो, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो भैया सोल्युबल क्या होंगे, इनसोल्युबल रह जाएंगे ना, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है तो सोल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी। तो ये वाले एक फैक्टर को, इसको कभी मत भूलना जो मैंने आप लोगों को बताया है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ये मत भूलना, ठीक है। ग्रुप वन और ग्रुप टू में जब मैं आपको बहुत सारे सल्फेट्स का, कार्बोनेट्स का, नाइट्रेट्स का सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी का ऑर्डर या थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगी तो बुक से पढ़ोगे तो पक्का फंसोगे, क्योंकि बुक्स में कहीं कहीं जगह पे लैटिस एनर्जी को प्रायोरिटी दे रखा, डोमिनेंट फैक्टर बता रखा है, कई कई जगह हाइड्रेशन एनर्जी को डोमिनेंट बता रखा है। तो हम उन सब से बचने के लिए ट्रिक सीखेंगे कि पेपर में आया तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना, नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरह। कहीं पे वो बोलेगा लैटिस एनर्जी डोमिनेंट कर रही है, कहीं पे वो बोलेगा हाइड्रेशन एनर्जी, और फंस जाओगे बीच में, ठीक है। तो अभी के लिए हम फिलहाल ये समझते हैं कि मैम यहाँ पे सोल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई होगी। सोल्युबिलिटी इसलिए इंक्रीज हुई होगी, देखो डाउन द ग्रुप जैसे आप जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख पा रहे हो आप डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, और साइज के टाइम का बढ़ रहा है, इट मींस लैटिस एनर्जी कम, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। सो गए क्या? नो मैम। तो अगर साइज ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, लैटिस एनर्जी कम तो सोल्युबिलिटी बोलो ज्यादा ज्यादा होगी मैम, ज्यादा होगा। तो यानी कि ये फैक्टर वैसे तो ना हर जगह हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमें अभी समझना है तो हम इसको इस वाले फैक्टर से समझ सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ज्यादा इसीलिए हुई होगी यहाँ पे कि क्योंकि लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है यहाँ पे बेसिकली ग्रुप वन में जनरली आप देखोगे, अगर कोई बुक को आगे जाके पढ़ोगे अच्छी बुक को, तो ग्रुप वन में जनरली लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेंट करता है। ग्रुप टू वाले जो एलिमेंट्स है, वैसे ग्रुप टू का ही है, ग्रुप टू में जनरली बता रही हूँ, आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट जो है ज्यादा डोमिनेंट करता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। रीजन, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो कैटायन का साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि साइज बड़ा, कोवेलेंट करेक्टर कम, आयनिक नेचर ज्यादा, और सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी फिर उसकी ज्यादा, और उसके करस्पॉन्डिंग थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी जितने भी मैं आपको कराऊंगी वो मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी, वहां पे कोई आपको ये बार बार ध्यान रखने की जरूरत है हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी ऐसा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। अभी देखो मैंने जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है, याद करो वही जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, हमने सीखा था कि बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि जो बेरिलियम के, एक मिनट वंश, जो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड हैं वो किसकी किसके साथ बिहेव करेंगे, किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जब आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओगे एक्सेस ऑफ एल्कली के साथ तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखो बेरिलेट आयन बनेगा, क्या नाम है इसका, एक बार स्पेलिंग देखनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन जब मैं HCl के साथ कराऊंगी तो ध्यान रखना NCERT में तुम लोगों का गलत लिखा हुआ, ये बनेगा कॉम्प्लेक्स, उसमें OH4 दे रखा है, उसमें ये दे रखा है NCERT में, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा बेरिलियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 शो करता है क्या वो बेचारा, छोटा है इतना, उसके बाद तो वैकेंडी ऑर्बिटल भी नहीं है,
तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको लिख लो एंड आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लो इन दोनों को कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होता है, तो उसकी ये दो रिएक्शन आप लिख लो। मैम तो बेरिलेट के ऊपर जो प्लस टू चार्ज है, माइनस टू बेटा। हाँ अभी बोलो, वंश बोल रहा था कुछ, बोलो वंश। मैम ये जो आप बीच में एक लाइन से बोल रहे हो कि किसी ने कोई बेकार गाना गाया है, उसका क्या मतलब है? अच्छा ओके सॉरी, तो सॉरी क्यों बोलूं, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले पे, वहां पे मैंने ट्रिक बताई थी, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, मतलब बेसिकली जिंक हो गया आपका, बेरिलियम हो गया, ठीक है जर्मेनियम हो गया, ये बेसिकली ट्रिक बताई थी कैसे पहचानोगे कि कौन एम्फोटेरिक नेचर का होता है, कौन न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब। अगर आपको ये ट्रिक सुननी है तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या होगा, जल्दी बोलो। हैलाइड्स में क्या होगा, अगर मेटल हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। अब मैम यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्लोरीन। मनोज क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम। मेटल, मेटल जो आपके शुरू के है, जैसे मतलब जैसे लिथियम है और बेरिलियम है, ये वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, करेंगे लेकिन बहुत स्लो स्लो करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, ये मैं कल वाली क्लास में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मेटल क्या हो सकता है यहाँ पे, जल्दी बताओ, वही एल्कली मेटल की बात करें, लीना ने की रब से फरियाद, ये तो अब लर्न तो हो गए होंगे ना तुम लोगों को, या इसमें भी कोई प्रॉब्लम? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं, स्तुति तुमने टेस्ट दे दिया? यस मैम। शेयर कौन करेगा स्क्रीनशॉट? मैम अभी कर रही हूँ। हाँ करो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मैं बोल सकती हूँ फ्लोराइड्स का ज्यादा होगा, देन क्लोराइड्स का, देन ब्रोमाइड्स का, कोई इसका रीजन बता पाएगा, देन आपका आयोडाइड। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि उसका ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आयनिक नेचर होगा इनका, ठीक है। तो फ्लोराइड्स का पूछेंगे नहीं, टेंशन मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी में तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें अभी मैं बताऊंगी ना इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाली है, वहां पे फंसोगे, ठीक है। फ्लोराइड्स, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स, और सबसे लास्ट में आपका आयोडाइड। तो ध्यान रखना, इसकी प्रिपरेशन मैं नहीं करवा रही क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली जो आपके हैलाइड्स है कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, आप बेशक मेटल के ऑक्साइड्स ले लो, आप चाहे उनके कार्बोनेट्स ले लो, चाहे आप उनके हाइड्रोक्साइड्स ले लो, जब आप उनको हैलोजन्स के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको हैलाइड्स मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत कि कैसे होगी प्रिपरेशन, मेन क्या है यहाँ पे सुनो, लिखो स्टार बना के लिखो, जितने भी हैलाइड्स हैं, ऑल हैलाइड्स आर सोलुबल इन पानी, आर सोलुबल इन वॉटर, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ एक्सेप्शन ना है, तो यहाँ पे लिखो एक्सेप्शन, लिखो बड़ा बड़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर अल्टरनेटिव ईयर पे पूछ ही लेता है ये वाला, तो यहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जो लिथियम फ्लोराइड है और जो सीजियम आयोडाइड है, लिखो आर इनसोल्युबल इन पानी, आर इनसोल्युबल इन वॉटर। मैम रीजन है क्या इसका? देखो रीजन है तो सही, ठीक ठीक है, रीजन 50-50 है, सेटिस्फाई हो भी जाओगे, मतलब एग्री कर भी जाओगे मेरी बात से, नहीं भी करोगे, बट करना तो पड़ेगा। देख सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड की, लिथियम छोटा फ्लोरीन छोटा, बॉन्ड स्ट्रोंग, बॉन्ड स्ट्रोंग, लैटिस एनर्जी बोलो ना, ड्यू टू स्मॉल साइज लैटिस एनर्जी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, वेरी गुड। तो सोल्युबिलिटी कम, ये रीजन दिया हुआ है, और आप लोगों को भी यही करना है, आर्ग्यूमेंट लेके आर्ग्यूमेंट मत कर जाना कि मैम साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी तो ज्यादा होगी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करोगे तो बुरी तरह फंस जाओगे, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है तुम्हारी उसमें, तो एनसीईआरटी वाले तो बचते हैं एक्सप्लेनेशन देने से, रेफरेंस किसी बुक में देखोगे तो बड़े बड़े
शब्दों में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से ये बताया गया है कि इस वाले केस में जो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सोल्युबिलिटी कम है। और सीजियम में क्या उन्होंने रीजन दिया हुआ है, सीजियम आयोडाइड में उन्होंने ये रीजन दिया हुआ है कि साइज बड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सोल्युबिलिटी भी कम। ठीक है, ओके, इनसोल्युबल लिखो या लिख सकते हो आप लेस सोल्युबल, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना वो इनसोल्युबल की जगह आप लोगों को बोलेंगे लेस सोल्युबल क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीजियम आयोडाइड में क्या रीजन लिखोगे आप लोग, ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, बोलो हाँ के ना, मानना ही पड़ेगा, कोई और एनसीईआरटी भगवान है हमारे लिए, मानना पड़ेगा, लेकिन ठीक भी एक तरह से, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट करके। हाँ बोलो, हम इसको बिग साइज भी मेंशन कर सकते हैं। क्या बोलो बेटा इसको, मैम इसमें इसमें बिग साइज भी मेंशन कर सकते हैं, ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी इसकी, लार्ज साइज एंड लेस हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कर लो इसको। ठीक है, तो अभी देखो एनसीईआरटी ने ये बोला हुआ है तो हमें मानना भी पड़ेगा, और क्योंकि सही भी है ये, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते ना, छेड़खानी नहीं कर सकते, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज उन्होंने निकाल दी अभी जाकर पकड़ते हैं सब। हाँ देख सकते हो जो एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है ना, वहां पे आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिल जाएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाली एक्सप्लेनेशन इसकी बिल्कुल ठीक है। एंड पेपर में आया क्वेश्चन तो उसमें भी जल्दी सीधा क्वेश्चन आता है कि लिथियम के फ्लोराइड्स इनसोल्युबल है पानी में, यार बिल्कुल ही एक्सट्रीमली लेस सोल्युबल है, इसका रीजन हाई लैटिस एनर्जी, सीजियम आयोडाइड लेस हाइड्रेशन एनर्जी। चलो आगे, वैसे लेस की जगह लो लिख लेना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं मैम हैलाइड्स ऑफ ग्रुप टू। अभी मैं किसकी बात कर रही थी, ग्रुप वन की बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जितने भी ग्रुप टू के हैलाइड्स हैं वो आयनिक होते हैं, वो तो हमें पता ही है, इसमें क्या नई बात है। नखरे कौन दिखाएगा, छोटू वाला, छोटू नखरे दिखाएगा ना, छोटे बहुत नखरे दिखाते हैं घर में, है ना। तो जो बेरिलियम का हैलाइड है वो नखरे दिखाएगा, यानी कि जो आपके बेरिलियम के हैलाइड्स हैं वो क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, या लिखो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम। फजांस रूल फिर आ गया यहाँ पे, तभी मैंने आपको फजांस रूल केमिकल बॉन्डिंग में करा दिया था, क्योंकि मुझे पता था बहुत यूज होने वाला है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, लिख दो यहाँ पे कोवेलेंट होगा। लेकिन ना एनसीईआरटी वाले बुक्स को ना इससे थोड़ा ज्यादा प्यार है, BCl2, याद करो मैंने कल आप लोगों को बताया था, याद करो कि BCl2 से थोड़ा ज्यादा प्यार है, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है। अब BCl2 में मैम क्या इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, कि सॉलिड स्टेट में BCl2 कैसे एग्जिस्ट करता है, वेपर फेज में या वेपर स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, और अगर आप टेम्परेचर 1200 केल्विन से ऊपर कर दोगे तो आपका BCl2 कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए रेडी हो, सॉलिड स्टेट में क्या बनाता है, वो सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमर बना लेता है, इधर देखिए कैसा पॉलीमर बना लेता है, ऐसा कुछ बना लेता है, ऐसा कुछ चलता जाएगा, कारवां चलता जाएगा। तुम्हारे पास अगर नोटबुक में स्पेस है तो बनाते रहो इसको, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, पॉलीमरिक फॉर्म में। मैम वेपर स्टेट में क्या होगा, वेपर फेज बोल दो या वेपर स्टेट बोल दो, उसमें क्या होगा, डाइमर बनाता है, पॉलीमर नहीं बनाता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिखा देना कि एक बार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक बार नीचे वाला, कौन से इसमें किस टाइप का बॉन्ड है, तो बनाना बॉन्ड ही, लेकिन कैसे टाइप का, 3 centered 2 electron bond है, 3 centered 2 electron bond है। अगर किसी को नहीं पता कि 3 centered 2 electron bond, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, 3 centered 4 electron, आई एम सो सॉरी, 3 centered 4 electron bond कैसे है तो वीडियो देख लेना, मैंने वहां पे Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बना के दिखाया होगा आप लोगों को, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे 3 centered 2 electron bond है, सॉरी 3 centered 4 electron bond है। लेकिन जब आपका टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज्यादा हो जाएगा तो ये डाइमर टूट के, जो ये डाइमर बना दिया इसने, ये टूट के, इसको ऐसे कर लो,
ये डायमर टूट के क्या बना लेगा, मोनोमर बना लेगा इस तरह से। इसमें क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम की sp2 sp, और अगर मैं बात करूं डाइमर की तो देख लो 1 2 3 4 sp3। बोलो हाँ के ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी मैंने आई थिंक Al2Cl6 का याद करो स्ट्रक्चर बनवाया था, 3 centered 4 electron, कैसे होगा वो देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो आगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आगे चलो। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैम ये तो हमें पता है, कोई रीजन बताएगा इसका, कल ही बताया था मैंने। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी जो है डिक्रीज होती है, साइज जो होता है बढ़ता चला जाता है। हाँ, उससे क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पानी के मॉलिक्यूल कम घेरेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। तो ये हाइड्रेट्स जो है बनते हैं, बस ये ध्यान रखना है, पेपर में नहीं आएगा। आगे चलूं जी, चलूं? यस मैम। ओके, एक तो यहाँ पे वो ध्यान रखना, चलो वो हाँ आगे बताऊंगी, मैंने लिखा हुआ आगे, चलो। उसके बाद हम बात करते हैं साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। ऑक्सो एसिड्स मैंने आई थिंक आप लोगों को ग्रुप 17 में भी बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ अगर वहां पे नहीं समझ में आया था तुम लोगों को। तो देखो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिक प्रोटोन शुड बी अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो आपका OH ग्रुप है उसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा, जो ऑक्सो ग्रुप है वो शुड बी अटैच टू सेम एटम। मैम ये समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल से बताओ। जैसे अगर मैं बात करूं आपका उसका कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है। yes, ma'am. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक बार देखना, इसको मैं दो एच को ऐसे लिख सकती हूँ ना, दो हाइड्रोजन और एक ये दो ऑक्सीजन, वैसे अभी एक रहता है, पहले इसको देखो, लिख सकती हूँ। yes, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक हाइड्रोजन उसके साथ प्रेजेंट है, और एक क्या हो जाएगा, ऑक्सो ग्रुप हो जाएगा, जो क्या है, अटैच टू सेम एटम, यानी कि जो आपके जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड जो आपका ऑक्सो ग्रुप है शुड बी अटैच टू सेम एटम। जैसे और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4, इसको कैसे दिखाते हो आप, ऐसे दिखाते हो। यस मैम, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, देखो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें सल्फर के साथ अटैच है और दो ऑक्सो आपके ग्रुप वो भी किससे अटैच है, सल्फर से अटैच है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। चलो जी ठीक, हम एक बार और, एक मिनट रुको। हाँ जी, मैं कह रही हूँ इसका ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं अजूबिया, कि जो आपके एसिडिक प्रोटोन है, ये वाले एसिडिक है ना प्रोटोन, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ठीक है अटैच है, और जो ऑक्सो ग्रुप है वो, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप शुड बी अटैच टू सेम एटम, ये बोला है मैंने। तो उसका मैंने एग्जांपल लेके दे दिया आप लोगों को, ताकि जब पढ़ो तो ध्यान रहे आप लोगों को। जल्दी बताओ समझ में आया क्या, नहीं आया। yes, आगे चलो, आ जाओ आगे। ओके, तो अब जो आपकी सोर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं या आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो क्या करेंगे, चाहे आप उनके ऑक्साइड्स ले लो, चाहे उनके हाइड्रोक्साइड्स ले लो या सिंपल मेटल ले लो, वो जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोल्ट बना लेते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनेट्स बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो सल्फेट्स बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो भैया आपका नाइट्रेट्स बना लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलेट्स बना लेंगे, अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करेंगे तो बाइसल्फाइड्स बना लेंगे, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट्स बना लेंगे। ठीक है, तो अब मैम इसमें क्या जरूरी है, इसमें ये जरूरी है जो मैंने लिखा हुआ, ध्यान से देखना, जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के हैं, मैंने बोला उनके जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सो एसिड्स के साथ क्या बना लेंगे, सोल्ट बना लेंगे, यहाँ पे लिखो फोम, सोल्ट बना लेंगे। अब वो सोल्ट क्या है, आपको ये नहीं देखना कि रिएक्शन कैसे हो के बनी सोल्ट, हमें मेन सिर्फ इससे काम है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा कि बताओ तुम्हें सिंपल लिख के दे देंगे चार, चाहे वो कार्बोनेट्स दें चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दें, बताओ भाई थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बताओ भाई सोलिबिलिटी का ऑर्डर, बस सिंपल ये क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे शुरू हो जाओ खुशबू मैम की ट्रिक, जो मैंने 10th क्लास में सीखी थी अपने टीचर से, 10th क्लास में मैंने ये पढ़ लिया था इस ब्लॉक,
ठीक है, अब तुम सुनो यहाँ पे क्या ट्रिक्स लगेंगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ो, लैटिस एनर्जी छोड़ो, बस ये जरूर ध्यान रखना कि लैटिस एनर्जी कम तो सोल्युबिलिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हम इन वाले क्वेश्चंस को करेंगे ट्रिक से। तो पहले देखो यहाँ पे मैंने ना एल्कली मेटल्स लिखे हुए, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने उनके कार्बोनेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने उनके बायकार्बोनेट्स लिखे हुए हैं। बताओ देख पा रहे हो? सोना नहीं है, जगे रहो, आज संडे है, जगे रहो। हाँ ठीक है, जो टेस्ट का तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट आया उसमें तो फिर मैं कल तुम लोगों को क्लास में देखूंगी, ठीक है, अभी नहीं डांट सकती तुम लोगों को, क्योंकि गुस्सा तो मेरे को बहुत आया हुआ है, बट मैं कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। चलो हाँ, तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो डाउन द ग्रुप क्या 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 चीजें पूछी जाएंगी आपसे, सिर्फ दो, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ध्यान रखना कार्बोनेट का साइज बड़ा होता है, अपने दिमाग में बिठा लो या कहीं पे लिख लो नोट्स में, कार्बोनेट का साइज होता है बड़ा, हाइड्रोक्साइड होते हैं छोटे, कार्बोनेट्स का साइज होता है बड़ा। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो साइज क्या हो रहा है मेटल का, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सीजियम का सबसे बड़ा है, yes, ma'am. कार्बोनेट का भी बड़ा है, तो बड़ा बड़ा जल्दी बोलो, बड़ा बड़ा समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा बड़ा बोन स्ट्रोंग, बोन स्ट्रोंग तो, बोन स्ट्रोंग तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। लेकिन अगर मैं बात करूं सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज। अब सोल्युबिलिटी का क्यों दे रखा है, जब आपने थर्मल स्टेबिलिटी का बता लिया ना, तो सोल्युबिलिटी उसके जैसा ही होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। लेकिन जो आपकी बुक में बेटा लिख दिया ऑलरेडी, बेटा लिख दिया जया, ठीक है, लेकिन आपके बुक्स में क्या रीजन लिखा हुआ है सोल्युबिलिटी की, मतलब सोल्युबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एल्कली मेटल्स में आपके बुक वाले क्या लिख रहे हैं, एल्कली मेटल्स में आपके बुक वाले क्या लिख रहे हैं कि जो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट है ओवर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लैटिस एनर्जी कम, सोल्युबिलिटी ज्यादा। अब पहुंच जाओ बायकार्बोनेट्स पे, तो बायकार्बोनेट भी कोई नया नहीं है, वो भी इसका भाई है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लिख लो इसको। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, ठीक है यहाँ पे लिख लो, लिख लो। पर क्या क्वेश्चन था? हाँ जी, ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्या क्वेश्चन था? क्या ऑक्सो एसिड्स, क्या ऑक्सो एसिड्स पे क्या क्वेश्चन रहेगा बेटा? उसी को ऑक्सो एसिड्स के साथ ही तो रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन, बायकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, उनके साथ ही तो रिएक्शन करके बनाया, अभी तो बोला मैंने इससे पहले। सुनो सुनो, है ना, थोड़ा सुनो, आगे देखो मैम, क्वेश्चन क्या आएगा, जो मैंने बता दिया वहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो स्टार में क्या लिखा हुआ है, देखो लिथियम, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस जो लिथियम का कार्बोनेट है वो क्या है, थर्मली, जल्दी बोलो, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, यानी कि जब जैसे ही आप उसको हीटिंग दोगे, गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे, वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज वो किसमें हो जाएगा, Li2O में ऑक्साइड मिल जाएगा और आपको CO2 मिल जाएगी। ध्यान रखना बाकी कोई भी डिकम्पोजिशन पे ये प्रोडक्ट नहीं देता है, बाकी किसी का भी डिकम्पोजिशन नहीं है, सिर्फ ये लिथियम ही दे रहा है, और यही एनामलस बिहेवियर भी लिथियम में इसका एक पॉइंट हो जाएगा कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके इसमें चेंज हो जाता है, बाकी कोई नहीं देता है। बोलो हाँ के ना, जल्दी बोलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो मैं बात करूं, आपने नोटिस किया होगा, मैं सब चीजों की बात नहीं कर रही, मैं पहले वाले एलिमेंट की बात कर रही हूँ हर किसी में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बनता ही उससे, एनिमलस बिहेवियर से। अगर मैं बात करूं इसकी, इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो लिथियम बायकार्बोनेट क्या होता है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, ये सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, आपका नीट में, आपका सीयूईटी में, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, ये क्वेश्चन बार 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 पूछ रखा है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ध्यान रखना आपको सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सारे करते हैं, बाकी सारे करते हैं। चलूं आगे, चलूं, यस मैम। अभी हम आते हैं ग्रुप नंबर टू पे,
ग्रुप नंबर टू वाले कौन से पीछे रहेंगे? देखो ध्यान रखना, जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स है सल्फेट्स तो वो भी बनाते हैं, नाइट्रेट्स वो भी बनाते हैं, लेकिन उनकी हमें थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी नहीं देखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और कभी क्वेश्चन भी नहीं आया। इसमें कार्बोनेट्स का मेन है, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप टू में, उसमें हमें सबका देखना है, सल्फेट्स की, कार्बोनेट्स की, नाइट्रेट्स की। ठीक है, क्या देखना है? वही सेम डिटो कॉपी, क्या लिख लो, थर्मल स्टेबिलिटी देखना है एंड सोल्युबिलिटी देखना है, एंड सोल्युबिलिटी देखना है, सब में ये देखना है। क्या होगा, आ जाओ इधर टिक से करते हैं। सल्फेट क्या है? बड़ा है। सल्फेट क्या है? बड़ा है। बेरियम क्या है? बड़ा है, बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा बोन स्ट्रॉन्ग, बोन थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बोन स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी। यस मैम, यस मैम। एक काम करो, इसको अलग अलग लिखो क्योंकि ये दोनों अभी यहाँ पे अपोजिट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो आप लोग भी लिखो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इतना तुम्हें समझ में आ गया, बड़ा बड़ा बोन स्ट्रॉन्ग। मैंने क्या कहा था, ग्रुप टू में कौन से वाला फैक्टर डोमिनेंट करता है? हाइड्रेशन एनर्जी वाला। लेकिन उससे पहले ट्रिक सुनो, बड़ा बड़ा बोन स्ट्रॉन्ग, बड़ा बड़ा बोन स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एनर्जी ब्रेक करनी पड़ेगी तो सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो सोलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका बुक्स में क्या रीजन लिखा हुआ है? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेंट फैक्टर होता है इन केस ऑफ ग्रुप टू, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बड़ा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम, सोलिबिलिटी कम। लेकिन आप लोग कैसे समझेंगे इसको ग्रुप टू में? बड़ा बड़ा बोन स्ट्रॉन्ग, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो सोल्युबल कैसे होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज। ऐसे ही सेम कार्बोनेट्स में भी लिख दो, बिल्कुल सेम है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और सोल्युबिलिटी, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंड सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसको मैं थोड़ा सा, कहीं पता चले नोट्स पढ़ते टाइम कंफ्यूज हो जाओ, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है जी, उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल सेम है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, सोलिबिलिटी डिक्रीजेस। ऐसे ही नाइट्रेट्स में है, नाइट्रेट का भी साइज बड़ा होता है, सेम बिल्कुल यही चलेगा। लिखो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, इसलिए मैंने ये एक साथ ऐसे ही लिखा है ताकि जब आप नोट्स पढ़ो तो समझ में आ जाए, सोलिबिलिटी डिक्रीजेस। बोलो हाँ के ना, बोलो। बहुत बढ़िया। अब मैम क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन तो यहीं से ही आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी पे। लेकिन आप थोड़ा सा देख लो, जब आप मेटल, जो आपके एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनके जब आप सल्फेट्स लेते हो सारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जब आप उसको हीट करोगे सारे के सारे डिकम्पोज हो जाएंगे मेटल ऑक्साइड में, SO2 गैस निकलेगी और O2। जब कार्बोनेट्स को गर्म करोगे तो सारे के सारे कार्बोनेट्स किस में टूटेंगे? ऑक्साइड में और CO2 में। जब नाइट्राइड्स को, नाइट्रेट्स को गर्म करोगे तो सारे के सारे नाइट्रेट्स किस में टूटेंगे? ऑक्साइड में, नाइट्राइट में और O2 निकलेगा। ध्यान रखना ये, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मेंशन ही किया, कुछ एक्सेप्शन नहीं, यहाँ पे सारे के सारे टूटेंगे। जबकि अल्कली मेटल्स में क्या था, सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट टूट रहा था, लिथियम का ऑक्साइड और CO2। ठीक है, उसमें एक नाइट्रेट वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एनिमल्स बिहेवियर में कवर करवाऊंगी। क्या आप लोगों को बेटा समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो इधर क्या लिखा हुआ है, मैंने स्टार लगा के, बोथ BeH2 एंड MgH2 फॉर्म पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। देखो बेरिलियम ले लो या मैग्नीशियम ले लो, इनका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, बना लो, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन होता है। बनाते जाओ, बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम कर दोगे तो वो उसका बन जाएगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। नहीं पता तो वीडियो देख लेना, डाइबोरेन की B2H6 बनवाया था मैंने आप लोगों को। चलो आप yes. बनाना बॉन्ड भी लिख लो, बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड। तो ये भी बनाना बॉन्डिंग है, और जो मैंने पी ब्लॉक में उसकी डाई एल्युमिनियम का पढ़ा था, फिर उसका पढ़ा था, वो बनाना बॉन्डिंग है, सेम चलता है। क्या बोल रहे हो बेटा?
हम ये भी बनाना बॉन्ड है और जो हमने पी ब्लॉक में था वो भी बनाना बॉन्ड है। जनरली हम 3 सेंट नहीं नहीं B2H6 की बात कर रहे हो आप? हाँ डायब्रोन या फिर एल्यूमिनियम वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड जो होते हैं उनको आप बनाना बॉन्ड बोलते हो। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को उसको भी कई कई बुक्स में लिखा हुआ है बनाना बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि जब वो बनता है उसका भी कुछ ऐसी शेप होती है। ठीक है बोल सकते हो लेकिन अगर मैं अप्रोप्रिएट आपको वे में बताऊं तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को आप बनाना बॉन्ड बोलते हो। ठीक है लेकिन आपको कई बुक्स में लिखा मिलेगा कई में नहीं लिखा मिलेगा तो कुछ टीचर्स मान लेते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन जैसे मैं भी मान ही लेती हूँ लेकिन अगर अप्रोप्रिएट वे में बोलूं तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को आप बनाना बॉन्ड जनरली आपको देखने को मिलेगा हर जगह। आगे चलिए ये क्या खत्म नहीं ऐसा कैसे हो सकता मैं तभी सोचू खत्म कैसे हो गया चैप्टर। आगे आओ एनिमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम मैम ये तो आपने ना सही नहीं किया पहले ही लिख लिया आपने अब हम कैसे लिखेंगे जल्दी जल्दी वो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो जाता और ये वाली चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो दोबारा से लिख के बोलना वो कोई फायदा नहीं था उस चीज का। तो अभी जल्दी से नजर मारो तुम लोग हाँ नजर मारो एक मिनट मुझे दो मिनट मैम। हाँ जी ग्रुप वन से सिर्फ LiCO3 ही डिकम्पोज होता है हीट के प्रेजेंस में यस और कोई भी नहीं होगा ध्यान रखना बेटा पढ़ो इसको फिर मैं आपको लोगों को आती हूँ एक मिनट दे दो बस मेरे को। बायो में कुछ प्रॉब्लम थी क्या पेपर में? यस मैम। क्या प्रॉब्लम थी कोई बता पाएगा? हम कुछ क्वेश्चन के आंसर उसमें गलत दिखा रहे हैं। यस मैम। लास्ट के क्वेश्चंस मैंने चेक किया। यस मैम लास्ट के क्वेश्चंस हैं। अच्छा तुम श्योर हो कि मतलब जो तुमने किया वो सही है? यस मैम 100% श्योर है। यस मैम। बाकी किसी और वही कट हुआ है या सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स को लग रहा है ये क्या था। अच्छा ठीक है एक्चुअली मुझे जस्ट अभी पता चला है कि ज्यादा ही गलत है। क्या हुआ? मेरे तो क्वेश्चन बहुत गलत है। तुम्हारे बायो में हाँ गलत गए हैं काफी तो चलो कल बात करते हैं। चलो एनिमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम देखो क्या लिखा हुआ है स्मॉल साइज जहां पे भी लगे नहीं समझ में आना तो बता देना। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी जिसकी वजह से कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है हार्डर होगा मतलब हार्ड होगा जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा मेनली ऑक्साइड बनाता है और नाइट्राइड बनाता है लिथियम का बाकी अल्कली मेटल्स नहीं बनाते हैं क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पीज की बहुत ज्यादा है लिथियम की इसलिए आपको इसके ही लिथियम के हाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। के बाद देखो लिथियम बायकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल द अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। दूसरा ये देखो ये वाली रिएक्शन थी जो मैंने लिथियम नाइट्रेट्स की बताई थी ना अभी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना जो लिथियम के नाइट्राइड्स हैं वो ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्राइट और O2 लेकिन जो बाकी आपके अल्कली मेटल्स हैं जिसमें मैंने एक एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट का लिया हुआ है वो ऑक्साइड नहीं बनाते सिर्फ सोडियम नाइट्राइड और O2 के साथ रिएक्शन करते हैं जब नाइट्रेट्स की डीकम्पोजिशन होती है। तो ये भी क्या है एनिमलस बिहेवियर है लिथियम का। केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम लगी तुम लोगों को? केमिस्ट्री के मतलब इसमें नहीं टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस लग रहे थे क्या गलत है? मैम चेक नहीं किया सही से। नो मैम केमिस्ट्री ठीक था। ठीक है चलो मैम ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि हम अपना टेस्ट देने के बाद उसमें देख सके कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ हमारा। हां एक्चुअली मैंने वंश बात की है टीम से वो करेंगे नेक्स्ट टाइम से आप लोग ये भी देख पाओगे कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ठीक है चलो फाइनल जी बच्चों मैम वो दिखता तो है देख लेते दिखता है अच्छा दिखता है कि कैसे कितने गलत हुए हैं
कितने गलत हुए और कितने मार्क्स फाइनल आ गए जो उस लिंक को दोबारा करना है, पर कौन सा पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन गलत है? गलत वाला भी नहीं मैम, वो भी दिखता है, एक बार रिफ्रेश कर लेना। अच्छा हाँ, मेनली क्या है मेरा कंसर्न ये है कि आप लोगों को ये दिखता है, जैसे मान लो केमिस्ट्री में तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, फिजिक्स में इतने गलत हुए हैं, ऐसा वो तो काउंट करने पड़ते हैं बाद में। मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं दिखता। अच्छा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं दिखता है, हाँ यही मैं बोल रही थी फिर। चलो ठीक है, मैं बात करूंगी, अभी इस पे आओ, बहुत लेट हो जाएगा वरना 7:45 हो गई है। देखो ये ठीक है ना, लिथियम फ्लोराइड और जो लिथियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, साइज छोटा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक डायगोनल रिलेशनशिप बताया था, याद करो स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इनका चार्ज बाय साइज और जो इनकी रेडियाई होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। और सेम बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ होता है, तो वही जो लिथियम का एनोमलस बिहेवियर है ना वही मैग्नीशियम का भी होगा, कि दोनों के दोनों क्या है, हार्ड है, दोनों के दोनों वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव है, और जो उनके आपके बेसिकली जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो मच सोल्यूबल नहीं होते, मच लेस मच सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये लिख लो इसको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दोनों ही नाइट्राइड्स बनाते हैं, जैसे लिथियम का मैंने बना दिया था, अब मैग्नीशियम उसका भाई है तो वो भी बनाएगा, ठीक है। जैसे लिथियम का कार्बोनेट डीकम्पोज होता है ऑन हीटिंग, लिथियम का ऑक्साइड और CO2 मिलता है, वैसे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कार्बोनेट आप जब लोगे हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2 रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद बोथ फॉर्म हाइड्रेट्स, लिथियम का तो बनाता ही था, मैग्नीशियम का भी बनाएगा, ठीक है। और ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था लिथियम के जो ऑक्साइड्स हैं मेनली तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फॉर्म में परऑक्साइड भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, याद आ रहा है? आना चाहिए, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारा खत्म हो चुका है, अभी थोड़ा सा है रट्टे वाला पोर्शन, मतलब रट्टे वाला ट्राई करूंगी तुम लोगों को समझाने का, तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई हुई है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाती जाती हूँ। ये लो देख लो बेटा, बस 15 मिनट मुझे दे दो, खत्म है फिर चलूं मैं बेटा। इनमें सिर्फ हाइड्रेट्स ही बनाते हैं? नहीं नहीं, एल्कलाइन में तो सारे बनाते हैं, लेकिन लिथियम में क्या, मतलब कहने का मतलब है बोथ फॉर्म हाइड्रेट्स, दोनों के दोनों हाइड्रेट्स बनाते हैं। लिथियम तो क्यों बनाता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी, और मैग्नीशियम भी क्यों इतने ज्यादा बनाता है, जबकि आपने देखा होगा बाकी सारे क्या है, कम कम हाइड्रेट्स बना रहे हैं। मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिख रहा है ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसलिए मैंने लिखा दोनों हाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके आ जाओ बच्चा इधर आओ, ये देखो सबसे पहले मैम यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, अभी ये सोल्वे प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगी कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करना है, मैं वो भी बता दूंगी आप लोगों को, एक बार जल्दी आओ। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपका वॉशिंग सोडा का, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं इसमें, कितने होते हैं 10, ठीक है, Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल, ये हमने 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारा मेन यहाँ पे काम है कि हमें सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करना है, किसको प्रिपेयर करना है, हमें ध्यान से सुनते जाओ, Na2CO3 को प्रिपेयर करना है, तो किस मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसका नाम क्या है बच्चा, सोल्वे प्रोसेस। क्या सबको दिख पा रहा है, जूम कर लो अगर नहीं दिख रही है तो स्क्रीन, सोल्वे प्रोसेस से दिख पा रहा है क्या, बोल दो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान रखना जो आपका अमोनिया है, ध्यान रखना अमोनिया जो आपका एक्वस अमोनिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, उसमें क्या करते हैं हम CO2 गैस पास कराते हैं, फर्स्ट स्टेप ये है, देखो ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि सोल्वे प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। जब आप इसमें से और एक्सेस ऑफ CO2 पास करा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, अगर CO2 पास कराते हो तो कार्बोनेट बनेगा, एक्सेस में करा दोगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देते हो। अगर आप अमोनियम बायकार्बोनेट में NaCl डालते हो, उसकी NaCl के साथ रिएक्शन करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है,
NH4Cl बाहर निकल जाता है, क्रिस क्रॉस कर दो प्लस माइनस करके NH4 और Cl बाहर निकल जाएगा, और जो आपको चाहिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको मिल जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर जिसको गर्म करने के बाद जो हमें चाहिए हमारा वॉशिंग सोडा वो हमें मिल जाता है, वो हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। आगे आओ, इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप चाहते हो अमोनिया आपको दोबारा मिल जाए, इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, अमोनिया रिकवर हो जाता है। कब? जब आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो यहाँ पे अमोनिया आपको रिकवर हो जाता है। मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर रिवाइज करा रही हूँ। जब आप अमोनिया को CO उसमें से CO2 पास कराते हो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, एक्सेस ऑफ CO2 कराओगे तो बायकार्बोनेट मिलेगा, उसमें अगर आप NaCl डाल दोगे मतलब NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे नमक के साथ तो आपको NHO4Cl यानी कि सोल्ट मिलेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक सोडियम हाइड्रोजन के ध्यान से सुनना, जब तक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल ही सेपरेट नहीं होंगे तो भैया कैसे उसको डिकम्पोज कराओगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल सेपरेट होना बहुत जरूरी है, मतलब उस अगर वो इनसोल्यूबल है तभी हमें क्या मिल रहे हैं, उसके अलग से क्रिस्टल मिल रहे हैं, तभी उसको डिकम्पोज करने पे हमें हमारा वॉशिंग सोडा मिल रहा है, ठीक है। और यही रीजन है यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज नहीं करते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सोल्वे प्रोसेस। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है, वो सोल्युबल हो जाता है, और अगर सोल्युबल हो जाएगा तो फिर भैया उसके क्रिस्टल कहाँ से सेपरेट आउट होंगे, और अगर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल नहीं सेपरेट आउट हो पाएंगे तो हम पोटेशियम कार्बोनेट के, एक मिनट को मैम ये लास्ट बात समझ में नहीं आया। हेलो, क्लास में ही थी सर, हाँ जी बोलो। नहीं 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 दोनों दोनों दोनों, हाँ केमिस्ट्री का एकदम फाइन था। हाँ राधिका क्या बोल रहे हो? जो भी आपने लास्ट है बताया वो मेरे को समझ में नहीं आया नेटवर्क इशू की वजह से। कौन से वाला? अभी जब आपने बताया था कि NH4HCO3 के जो वो बनते हैं हमारे क्रिस्टल उसके बाद से बताया। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, समझा देती हूँ। इधर देखो, जब तुम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ध्यान से देखना सारे जिसको नहीं आया, NaCl प्लस माइनस करो पहले तो राधिका, यहाँ से NH4Cl मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, ठीक है, सोडियम बायकार्बोनेट बोलो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो तुम्हारी इच्छा, इसको जब डीकम्पोज कराओगे तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्यों मिला ये तुम्हें, क्यों मिला? क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी क्या है कम है। इधर देखो, इन दिस प्रोसेस एडवांटेजेस, देखो इधर एडवांटेजेस, लो सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट मे बी मेंशन हियर दैट सोल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सोल्युबल टू बी प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है कि आप सोल्वे प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द हाई सोल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ये समझ में आ गया? तो मुझे थम्स अप दे दो, मैं आगे मूव करूं, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। एक आपका ना एनसीईआरटी में NaCl भी होगा नमक, उसमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना उसको, नमक दिखा रखा है कि कितना, मतलब सी से आपको पता ना ज्यादा परसेंटेज ऑफ NaCl आपका सी वॉटर से मिलता है ना, इवेपोरेशन ऑफ सी वॉटर है ना, तो बस ऐसे लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल यहाँ पे आओ, अभी कोस्टिक सोडा आपको पता होना चाहिए, कोस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaH को बोलते हैं, इसको बोलते हैं NaOH को बोलते हैं। मैम इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है,
मेरे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केलनर सेल. ये एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना. इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम NaCl की, वहां से आपको भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा. क्या बोला है? ब्राइन सोल्यूशन. मैम ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? NaCl. NaCl होता है. जब आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, कौन सी इलेक्ट्रोड यूज किया आपने? मरकरी. ध्यान रखना, यूजिंग ए मरकरी कैथोड एंड अ कार्बन एनोड सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट द कैथोड कंबाइन विद मरकरी टू फॉर्म सोडियम एमलगन क्लोरीन गैसेस इवोल्व. क्या करना है आप लोगों को? देखो Na प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेगा Na बनाएगा, आपको पता है कैथोड पे डिपोजिट होगा. सोडियम के साथ मरकरी, क्योंकि आपने मरकरी लिया एज ए कैथोड, तो सोडियम जो मरकरी के साथ क्या कराएगा? एमलगम बना लेगा. और जो Cl नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी एनोड पे. बस यही काम का था और कुछ काम का नहीं था. फिर कह रहे हैं कि अगर आपने एमलगम को पानी के साथ ट्रीट करवाया तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगी और जो आपको चाहिए NaOH वो आप लोगों को मिल जाएगा. बस इतना कर लेना, बेशक बाद में वाला सारा छोड़ देना. एक बार पढ़ लो इसको, अगर देख पा रहे हो तो पढ़ लो इसको. बेसिकली आगे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं इसकी. सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट होता है, ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है, 591 केल्विन पे मेल्ट हो जाता है. इतना फालतू का लर्न करने की जरूरत नहीं है. इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन. ठीक है, क्रिस्टल्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये कोई बता पाएगा व्हाट इज डेलिक्विसेंट? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, याद करो मैंने आप लोगों को कहां बताया था, DNF लोग में, कि अगर NaOH को खुला छोड़ोगे मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा वो. ठीक है, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद द CO2 इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3. इतना ज्यादा माइंड को मत प्रेशर दो, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि क्या यूज होता है. मरकरी की कैथोड यूज होती है, सोडियम एमलगम जो है कैथोड पे मिलता है आपको, क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिलती है. क्या ये क्लियर हो गया बच्चा? जल्दी बोलो. तो बेकिंग सोडा क्या है? अरे घर वाला बेकिंग सोडा भाई, घर वाला बेकिंग सोडा जो आप केक वगैरह में यूज करते हो, है ना, इडली वगैरह में डालते हो. और कहाँ डालते हो आप बेकिंग सोडा? फ्लफीनेस के लिए बेसिकली आप लोग डालते हो. अप्पे खाए ना अप्पे, उसमें भी आप लोग डालते हो. तो डालते हैं ना किसमें? दूध में मैम. क्या बनाने के लिए? फुलावट के लिए. हाँ बेटा मैम, मिल्क में भी तो डालते हैं. यस मैम, जो लॉन्ग स्टोरेज के लिए डालते हैं. वही पूछ रही थी मैं, क्या करने के लिए डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो है इसका नाम क्या, बेकिंग सोडा. अब ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि जब आप हीट करते हो तो क्या निकलते हैं? CO2 निकलती है ना. याद करो हमने लैब में टेस्ट भी किया था एसिडिक. अगर आप मतलब जानना चाहते हो कि आपके सैंपल में एसिडिक ग्रुप है या नहीं, तो हम ये करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. तो जैसे ही CO2 निकलते हैं, CO2 के बबल्स निकलते हैं, तो जो क्या बोलते हैं उसमें होल्स रह जाते हैं. जैसे मैं सिंपल अगर केक की बात करूं, तो जैसे ही आप उसको ओवन में डालते हो तो CO2 गैस वहां से निकलती है, हीट कर रहे हो, तो आप जब लोग केक निकालते हो ओवन में से तो देखते हो ना होल्स होते हैं उसमें. ठीक है, वही रीजन होता है फॉर फ्लफीनेस. ठीक है, तो बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट को जब आप CO2 गैस पास कराओगे तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा. और कहाँ कहाँ यूज होता है वो आपको, मधुमक्खी काट जाती है तो उसपे भी लगाते हो ना बेकिंग सोडा. एंटीसेप्टिक के लिए, मतलब बेसिकली एंटीसेप्टिक यूज होता है फॉर स्किन इन्फेक्शन, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है. इसमें कुछ रटने का नहीं था और पहली बात है पेपर में आएगा भी नहीं. चलो आगे चलो. उसके बाद में बात क्या बेटा? मैम CCl4 भी होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर में यूज. यस चलूं आगे. ओके, एनिमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. इसमें क्या है वही देखो, जहां भी समझ में नहीं आया वहीं पे मुझे रोक देना. स्मॉल साइज बिल्कुल ठीक, हाइनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल ठीक, हाईली कोवेलेंट बिल्कुल ठीक. सेकंड, बेरिलियम जो है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकता. क्यों बेटा? नोट्स अपलोड कर दूंगी ना बेटा. एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी खोल लो, वहीं से तो कॉपी मारा है तुम्हारी मैम ने. ठीक है, बेरिलियम एग्जिबिट नहीं करता कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा. क्यों नहीं करता मैम? डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास. दूसरा, जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेरिलियम के, वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर. थोड़ा सा प्यार हो रहा है इनऑर्गेनिक से या बहुत बोरिंग लग रही है? जल्दी बताओ.
क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। ठीक है चलो आगे देखो, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप देखो, याद करो एल्यूमिनियम में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एल्यूमिनियम, हाँ पी ब्लॉक से तो बहुत सही है ये, उसमें तो भैया खत्म ही नहीं होता है वो पी ब्लॉक तो। एल्यूमिनियम जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो बन जाती है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिससे वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता। तो ये सेम बेरिलियम ऐसा है, इज नॉट रेडली अटैक बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। दूसरा, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं देखो, कॉम्प्लेक्स बना रखा है, जैसे आप एल्कली के साथ रिएक्ट करोगे एल्यूमिनियम भी बना रखा है, टेट्रा हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स एंड बेरिलियम वाले ने बना रखा है, ये मैंने बोला था अभी बेरिलेटाइन। वेपर फेज में क्या होता है मैम, BCl2 का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिखा दिया, Al2Cl6 का मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? नो, कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, ये बात क्या है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, जैसे अभी हमने पढ़ा सोडियम के कंपाउंड्स, उसके बाद धर्मेंद्र बड़ी दिनों बाद दिखाई दिए बेटा, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, जब तक देखो मैं पानी पी लूं। पी ब्लॉक में बेटा 13-14 अगर बिल्कुल भी पी ब्लॉक नहीं पड़ा जया तो सिर्फ 13-14 कर जाना बस, अगर हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें। अच्छा नामिका हो, ओके सॉरी सॉरी ठीक है चलो आ जाओ, चैप्टर बहुत बड़ा है पी ब्लॉक, क्यों तुम क्यों 13-14 करोगे, तुम्हारा भी पेपर है क्या परसों जूबिया? नहीं, नहीं है मैम। फिर 13-14 क्यों करोगी, नंबर कटवाया ना अगर पेपर में आ गया तो 15-18 के बीच में। हाँ वो चैप्टर बहुत गंदा है। कोई बात नहीं, इतना भी गंदा नहीं है कि क्वेश्चन ना हो, 15 तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे, 16-17-18 मैं आप लोगों को क्लास में करवा दूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब जल्दी इधर आओ। ये क्या है मैम, क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ओके CaO, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल, कमर्शियली अगर इसको आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो और ये इस पे लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट है, ये इतना नहीं है ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस जो है यहाँ पे लिबरेट होगी, और जो ये CO2 गैस निकली है ना इसको जितनी जल्दी हो सके आपको रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं हुई तो वापस से रिवर्सिबल बैकवर्ड में चला जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल एज इट इज प्रोड्यूस्ड टू इनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब इसको रिमूव करना जरूरी है ठीक है, बस इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया और ना हमारे काम का जानना ना कुछ। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या बोला हुआ है कि मैम व्हाइट अमोर्फस सॉलिड है, छोड़ दो इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 2870 केल्विन है, ये भी नहीं ध्यान रखना, ये यहाँ से ध्यान रखना आप लोगों को। ऑन एक्सपोजर टू एटमोसफेयर इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड के आप पानी के साथ कराओगे रिएक्शन आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, अगर CO2 के साथ कराओगे तो कैल्शियम कार्बन। देखो ये रिएक्शन ना बार बार आ रही है कि जब भी हम किसी के साथ भी CO2 गैस उसमें पास करा रहे हैं तो कार्बोनेट बना रहा है, और अगर एक्सेस ऑफ CO2 करा रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, अभी तक तुम्हें ये चीजें लर्न हो जानी चाहिए ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये रहने देना बेशक जो लिखा हुआ है, बस ये वाली रिएक्शन कर लेना, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन सिलिका के साथ कराओगे तो ये मिलेगा आपको कैल्शियम इसका सिलिका का ऑक्साइड, और जब P4O10 के साथ कराओगे तो आपको कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एनसीईआरटी तो पढ़ते हो ना, या सिर्फ ये मैं खुशबू मैम ने करा दिया, हम देखेंगे भी नहीं एनसीईआरटी को, ऐसा भी कुछ है क्या? आई नो टाइम अभी तुम्हें नहीं मिल पा रहा, जैसे टाइम मिलेगा दे देना, क्योंकि अभी तो तुम बोर्ड पे फोकस करो, 12th क्लास पे ज्यादा फोकस करो ठीक है ओके। आगे चलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे ही मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ लेकिन एक बार मैं फिर करवाऊंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है ठीक है ओके। तो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप स्लेक लाइम भी बोलते हो, इसका फॉर्मूला आप प्लीज ध्यान से देख लेना, वही है देखो सेम, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 आप पास करोगे, इवन ये हम लैब में टेस्ट भी करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है, तो जैसे ही आप CO2 गैस पास कराते हो तो देखो क्या लिखा हुआ है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की किस वजह से होता है वो,
कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, लेकिन आपने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ CO2 पास करा दिए तो आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्या ये देखकर मैंने कराई थी, मैंने कहा था CO2 और एक SO2 को याद रखना, SO2 में भी बिल्कुल सेम होता था, याद करो सल्फेट मिलता था और बायसल्फेट मिलता था एक्सेस ऑफ पास करवाने के SO2। तो मैंने कहा था ये दोनों रिएक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये वाली रिएक्शन भी मैंने कराई थी कि जब तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम को सीएल टू पास कराते हो उसमें क्लोरीन गैस, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो या कैल्शियम ये क्या बोलते हैं हाइपोक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। और मैम जब आपको ग्रुप 17 करा रही थी तो मैंने इसकी कंपोजिशन भी लिखवाए थे, वो भी ध्यान रखना, याद आ रहा है ना, क्योंकि मुझे याद है तो आप लोगों को तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, लाइमस्टोन चौक में होता है, चौक में होता है ना, मार्बल में, लाइमस्टोन में, इसमें होता है। अब मैम ये कैसे बनाया जाता है, देखो पहला स्टेप तो सेम है, हाँ टेंथ में भी आता है थोड़ा बहुत, ये पहला स्टेप तो सेम है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 पास कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना एक्सेस ऑफ CO2 पास मत कराना, नहीं तो जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा और कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। यानी कि पहला स्टेप तो सेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा जो हमने स्लेक लाइम में देखा था। फिर आप क्या करते हो और कैसे बना सकते हो इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो सोडियम कार्बोनेट के साथ, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो एक मिनट दो मुझे, एक और चीज ना इंपॉर्टेंट थी मुझे, एक मैंने छुड़वा तो नहीं दी ना वो टेम्परेचर वाला, ओके एक और चीज रह गई है, चलो पहले इसको देख लो, मैं लिखवा दूंगी वो, पहले इसको देख लो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में लिबरेट होगा। और देखो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, ये भी मैंने करवाया था, HCl के साथ कराओगे तो प्लस माइनस एक्सचेंज कर दो, कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता रट्टा मारने की जरूरत है, देखो इन दोनों रिएक्शन में, ठीक है ठीक है। डीकम्पोज होने पे याद रखना CO2 तो निकलेगी निकलेगी, HCl है तो प्लस माइनस कर दो कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, CaSO4.5। ऐसे मत सोचना कि मैम ये टेंथ में आता था, टेंथ में भी आता था, नीट में भी आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, इवन जेई वालों को भी कभी मन किया तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, तो इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इट इज ए हेमी हाइड्राइड, हेमी क्यों बोला, हाफ ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम, अभी जिप्सम का भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमी हाइड्रेटेड होता है तो ये क्या होता है, सिंपल हाइड्रेट होता है विच इज कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ विच इज योर जिप्सम। अगर उसको आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो पानी उड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स, तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, है ना, गर्म हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, अगर इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनो, 393 केल्विन तक लेके जाओगे तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, पहले कितने थे, चार, देख पा रहे हो, दो यहाँ और मतलब बेसिकली दो मॉलिक्यूल है ना, तो टोटल चार है, तीन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर 393 केल्विन से ऊपर जाओगे तो भैया नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट, आपको एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर, क्या बोलो, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने में पता चल रहा है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वॉटर, सेटिंग दूसरी वाली सेटिंग मत समझना, ऑन मिक्सिंग विद एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वॉटर, अगर आप इसको पानी के साथ कर दोगे, मिक्स कर दोगे तो वो क्या बना लेगा, हार्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट बना लेगा बेसिकली। देखो क्या, इट फॉर्म्स ए प्लास्टिक मास दैट गेट इनटू ए हार्ड सॉलिड इनटू 5 to 10-15 minutes, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, आपके बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है, आपको इतना नहीं जाना, सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार पढ़ लो फिर मैं आगे चलती हूँ। हाँ जी ओके चलूं आगे। यस मैम। यस मैम।
मैंने कहा था कि एक वो रह गया था, एक मिनट को, यहाँ पे ना दो रिएक्शन और मेंशन करो, आ जाओ लिखो बच्चा लिखो लिखो अबाउ 373 केल्विन, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, द मोनोहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट बिकम्स, लिखो किसका लिखवा रही हूँ मैं, इसी का ही, एक सेकेंड, ये लिखा तो हुआ, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारी मैम आज पागल होती है लगता है, इधर देखो ये लिखा तो हुआ है, सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज अ डेकाहाइड्रेट, ठीक है ये आप लोगों को पता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इट इज रेडली सोल्यूबल इन वॉटर, लेकिन जैसे आप इसको गर्म करोगे तो वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म और मोनोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा, 373 केल्विन के ऊपर मोनोहाइड्रेट मतलब जो एक वॉटर मॉलिक्यूल थे वो भी गायब हो जाएगा और पूरा का पूरा एनहाइड्रेस चेंज में चेंज हो जाएगा, एनहाइड्रेस एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर जिसको आप सोडा ऐश बोलते हो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा मैंने नहीं लिख रखा, तो देखो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, 375 केल्विन है, देखो तो आपको मोनोहाइड्रेट मिल रहा है, 373 सी से ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, बस इसको आप ही क्या बोलो, सोडा एश, सोडा एश, बस तो मेरी साइड से मैंने अपनी तरफ से सारा आपको करा दिया है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कुछ चीजें रह गई होंगी, मतलब कुछ चीजें रहने का मतलब है कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो तो आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बाकी मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है, अब आपकी साइड से कब होगा वो आप जानो, ठीक है, तो आई होप कि एस ब्लॉक वाला समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा